नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी। अपनी गोवा यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने ये बात कही। प्रशांत किशोर ने कहा, जैसे कांग्रेस पहले 40 सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह बीजेपी भी रहेगी। चाहे हारे या जीते, वो राजनीति के केंद्र में रहेगी। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। उन्होंने कहा कि जब एक बार आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर से नहीं हटते। गोवा के म्यूजियम में आयोजित एक बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा कि इस जाल में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हो रहे हैं और वो पीएम मोदी को बाहर कर देंगे। शायद वो मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा। और क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने, समझिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। इस जाल में मत पड़ना कि लोग मोदी से नाराज, भ्रम में है राहुल गांधी। हराने के लिए मोदी की ताकत को समझना होगा। भाजपा के भविष्य को कैसे देखती है कांग्रेस? देश में बटा हुआ वोटर बेस बड़ी समस्या। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी और भाजपा के भविष्य को कैसे देखती है, इस पर किशोर ने कहा, आप किसी भी कांग्रेस नेता या किसी भी क्षेत्रीय नेता से जाकर बात करें, वो कहेंगे बस समय की बात है, लोग तंग आ रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी होगी और लोग उन्हें बाहर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. So don't. That is where the problem lies with Rahul Gandhi. Probably he thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर कहा कि वो शायद इस भ्रम में है कि मोदी के सत्ता में रहने तक ही बीजेपी मजबूत है। किशोर ने कहा, यही समस्या राहुल गांधी के साथ है। शायद उन्हें लगता है कि ये बस समय की बात है, जब लोग पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक आप पीएम की ताकत को नहीं समझेंगे, आप उन्हें हरा नहीं पाएंगे। मैं जो समस्या देखता हूँ वो ये है कि ज्यादातर लोग उनकी ताकत को समझने के लिए अपना समय स्पेंड नहीं कर रहे। ये समझना होगा कि उनकी लोकप्रियता का कारण क्या है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप उन्हें हराने के लिए काउंटर ढूंढ सकते हैं। प्रशांत किशोर ने देश में बटे हुए वोटर बेस की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप वोटर बेस को देखें तो 1/3 और 2/3 के बीच की लड़ाई है। केवल 1/3 लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं या बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं। समस्या ये है कि 2/3 मतदाता 10, 12 या 15 राजनीतिक दलों में डिवाइडेड हैं। ऐसा कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो सुना आपने, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दशकों तक भारतीय राजनीति में एक बड़ी ताकत बनी रहेगी और बड़ी ताकत बनकर एक बार फिर से उभरेगी। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी गोवा यात्रा के दौरान इस बात को कहते हुए सुनाई दिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जैसे कांग्रेस पहले 40 सालों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में हमेशा से रही थी, तो उसी तरह बीजेपी भी रहेगी। चाहे वो हारे या जीते, वो राजनीति के केंद्र में रहेगी ही। बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। वो आगे कहते हैं कि जब एक बार आप राष्ट्रीय स्तर पर 30% वोट हासिल कर लेते हैं तो इतनी जल्दी राजनीतिक तस्वीर से हटना मुश्किल है। गोवा के म्यूजियम में आयोजित एक बातचीत में प्रशांत किशोर कहते हैं कि इस जाल में कभी मत पड़ना कि लोग नाराज हो रहे हैं। राहुल तालान राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? राहुल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो राहुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के ये बयान आपको सुनवा रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि बीजेपी दशकों तक बड़ी ताकत बनकर उभरी है और सालों साल रहेगी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी रहें या ना रहें, चाहे देश उन्हें पीएम पद से हटा दे, लेकिन बीजेपी नहीं हटने वाली है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लोग नाराज हो रहे हैं और वो पीएम मोदी को बाहर कर सकते हैं। राहुल गांधी सोचते हैं कि बीजेपी हट जाएगी, लेकिन उनका ऐसा सोचना गलत है। शायद वो मोदी को बाहर कर देंगे, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली है। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी से लड़ना होगा, जूझना होगा। तो तमाम बातें हम लगातार आपको बता रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और एक बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में 2024 में जो जनता है देश की, वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ राहुल तालान एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद काजोल। राहुल जी, प्रशांत किशोर जो कि राजनीतिक रणनीतिकार हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव बनी रहेगी, केंद्र में रहेगी राजनीति के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में रहें या ना रहें। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, उन्होंने जिस परिदृश्य में और जिस चीज को आपके बीच में बोला है, वो बोला है उन्होंने वर्किंग की। वर्किंग क्या है पार्टी की? बीजेपी की जो वर्किंग और कांग्रेस की जो वर्किंग है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी जमीन पे काम कर रही है, वो बूथ लेवल पे काम कर रही है, वो पन्ना प्रमुख बनाती है, उनके पास एक प्रॉपर संगठन है, कैडर है, जबकि कांग्रेस के पास ये सारी चीजें नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इन सारी चीजों को देख के बोला है। जब जो भी बीजेपी में क्या है कि कोई भी सूचनाएं या और भी कुछ चीजें, पॉलिसीज हैं या उनकी नीति है या उनकी विचारधारा है, वो ऊपर से स्लो होकर नीचे तक आती है, बिल्कुल ग्रास रूट तक आती है। जबकि कांग्रेस के साथ ये सारी चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि कांग्रेस में टॉप लीडरशिप तो है, लेकिन बीच कार्यकर्ता कांग्रेस के पास नहीं है। और जितना डेडिकेटेड कार्यकर्ता बीजेपी का है, जितना समर्पित कार्यकर्ता बीजेपी का है, वैसा कांग्रेस के पास या किसी और पार्टी के पास देश में नहीं है। जिस पार्टी के पास वैसा कार्यकर्ता है, डेडिकेटेड कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, वो पार्टी सत्ता में बनी हुई है। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है, मैं इस बात से सहमत हूं। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि 2024 में जनता जो है वो बेहद नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और 2024 में जवाब देगी। और उनका कहना है कि जब 2024 में जवाब दिया जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं रहेंगे और बीजेपी भी नहीं रहेगी। देखिए, ये तो नेताओं के अपने बयान है, वो लगातार देते रहते हैं, लेकिन जनता के पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है कि मोदी के अलावा वो किसको चुनेंगे। क्या राहुल गांधी खुद को विकल्प मान रहे हैं? अगर जो राहुल गांधी खुद को विकल्प मान रहे हैं, तो जनता क्या उनको विकल्प मान रही है? ये बड़ी बात है। देखिए, नाराज वो भी जनता मोदी से और नहीं। तो राहुल तालान जी, यही तो बात है कि आपने अभी बोला कि कोई और विकल्प नहीं है, यानी कि बीजेपी है तो सिर्फ मोदी के लिए, वरना बीजेपी कुछ नहीं। नहीं, देखिए, मैंने एक बार पहले ये भी बोली कि बीजेपी के पास कैडर है और जो बहुत मजबूत कैडर है, पन्ना प्रमुख से लेकर। आपके हिसाब से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं होते 2024 में, तो कौन सा बड़ा ऐसा चेहरा है जो देश के सामने आ सकता है? देखिए, 2024 में अगर जो मोदी जी चेहरा नहीं होते हैं, तो अमित शाह जी हैं और भी कई सारे नेता हैं बीजेपी के पास। तो इस वक्त नेताओं की पूरी फौज है, कोई भी आ सकता है, वो किसको भी आगे लेके आ सकते हैं। देखिए, लोगों को बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है कमल, वो उनके दिमाग में बस गया है और जब तक राष्ट्रवाद चलेगा तब तक बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। राहुल जी, एक चीज समझाइए फिर, ये चुनाव चिन्ह लोगों के दिल में बस गया है, दिमाग में बस गया है, ऐसा आप कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है, वो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी एक मजबूत नेता के तौर पर बनी हुई है, फैन फॉलोइंग तगड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो क्या समझे हम, लोग मोदी को पसंद करते हैं या कमल को पसंद करते हैं, या दोनों को साथ में? देखिए, ये दोनों, इनको आप अलग करके नहीं देख सकते हैं। देखिए, मोदी निर्विवाद रूप से देश के सबसे बड़े नेता हैं इस वक्त, और वो बीजेपी की वजह से सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, फिर बीजेपी ने उनको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया और उनकी छवि फिर लार्जर देन पार्टी होती चली गई। जी। इस वक्त वो लार्जर देन पार्टी है उनकी छवि तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी यहाँ कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मोदी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ नेता पे डिपेंड नहीं है। जैसे कांग्रेस क्या है कि राहुल गांधी पे डिपेंड है, उनके पास कैडर नहीं है, सोनिया गांधी पे डिपेंड है, लेकिन बीजेपी के पास अपना बहुत मजबूत कैडर है जो बिल्कुल बूथ लेवल से लेकर गांव गली हर कहीं उनके कार्यकर्ता आपको मिल जाएंगे, छोटी छोटी गलियों में उनके कार्यकर्ता मिल जाएंगे आपको, जबकि कांग्रेस के साथ खड़ा होने वाला इस वक्त आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। यानी अगर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा नहीं भी होते इस पद के तो भी बीजेपी कहीं ना कहीं सफल मानी जाएगी, चाहे वो केंद्र में रहे या ना रहे। देखिए उन्होंने क्या बोला, प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि जिस पार्टी के पास 30% वोट होता है तो उनको आप कम आंकने की भूल नहीं कर सकते। और इस वक्त बीजेपी के पास 30% से ज्यादा वोट है पूरे देश में, नेशन वाइज उनके पास बहुत ज्यादा वोट है, कोई पार्टी उनके सामने नहीं और इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। आपको अगर जो बीजेपी को हराना है तो आपको बीजेपी से बड़ा नेता चाहिए, बीजेपी से बड़ा कैडर चाहिए, और जो अभी हाल फिलहाल में किसी पार्टी के लिए संभव नहीं है। अब मैं तो अगले 10 साल में देख नहीं रहा हूँ कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी ऐसी इतनी मजबूत स्थिति में आ जाएगी कि उनके पास उससे ज्यादा कार्यकर्ता हो। बिल्कुल राहुल जी, यानी ये साफ है कि आने वाले समय में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं हमें केंद्र में आती हुई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जैसे कि आप लगातार पहले से ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मजबूत जो कैडर है वो नहीं है, जो कैंडिडेट है वो नहीं है। जी जी, तो इससे हम ये समझ, जी बोलिए। देखिए है क्या सारी चीजें, अगर जो आप इसको एक तरीके से ऐसे भी देख सकती हैं कि जब तक कांग्रेस, कभी कांग्रेस भी इतनी मजबूत स्थिति में रही थी, 30-40 साल तक उनका कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जब बीजेपी आई 2014 में पूर्ण बहुमत से आई और फिर 2019 में रिपीट किया उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ। तो आप इसको जब हम गठबंधन की राजनीति देख रहे थे, लोकतंत्र में भारत में गठबंधन की राजनीति हम उभर नहीं पा रहे थे, एक पार्टी आई और उसने वो सब चीजें जो पंडित थे, राजनीतिक पंडित, उनकी सारी बातें झूठी करते हुए वो पूर्ण बहुमत से सरकार बना गई अपने दम पे और फिर उन्होंने मजबूती से सरकार चलाई। देखिए बहुत देर बाद देश ने ऐसे देखा है। मैं उनके निर्णय की बात नहीं करूंगा कि वो सही हुए या गलत हुए, लेकिन वो आगे बढ़ के कठोर निर्णय ले पाए जो इस देश के हित में थे। अब वो सही हुए गलत हुए उसकी अलग से विवेचना हो सकती है। बिल्कुल राहुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता बेहद नाराज है और आगे चलकर जनता जवाब देगी, तो जनता बीजेपी से नाराज है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ी ना नाराज है। महंगाई जो बढ़ रही है वो सरकार से नाराज है, पीएम मोदी से नाराजगी नहीं है। देखिए जनता के अपने मुद्दे हैं, महंगाई है, उसके बाद भी और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद आजकल लोग ये भी आप देख रहे होंगे कि लोग ये बोल देते हैं कि हाँ ठीक है भाई महंगाई है एक चीज है, ये पूरे ऐसा नहीं है कि ये महंगाई वाला फिनोमिना सिर्फ भारत में, पूरे वर्ल्ड में महंगाई है और ये फिनोमिना है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन इसके बाद भी अब जैसी स्थिति में भारत है, देखिए 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन एक तरीके से फेस कर रहा है चाइना से और पाकिस्तान से। उस स्थिति में हमें इस देश में ये जनता समझ रही कि बहुत मजबूत सरकार चाहिए, गठबंधन की सरकार होगी तो उस जो हम बहुत वीक हो जाएंगे उस सिचुएशन में जाके, इसीलिए हमें 2 फ्रंट वॉर की सरकार चाहिए। 2 फ्रंट वॉर लड़ना है या उसकी सही प्रिपरेशन करनी है तो हमें एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए। तो जनता ये समझ रही है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार होनी चाहिए, इसीलिए मोदी जी को या बीजेपी को अभी कोई हाल फिलहाल में मुझे ऐसा थ्रेट नजर नहीं आ रहा है कि उनको कोई कमजोर कर सकता है। ठीक है राहुल जी, बहुत जी 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 राहुल सर, चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा रहे या ना रहे, लेकिन बीजेपी केंद्र में रहने वाली है, आने वाले कई सालों तक बीजेपी बनी रहेगी। जैसे कि अभी राहुल तालान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि आने वाले 10 सालों में कोई विकल्प मिलता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये लगता है कि जनता जो है वो 2024 में बड़ी पटकनी केंद्र सरकार को देने वाली है, क्योंकि नाराजगी जो है बढ़ती महंगाई को लेकर वो बनी हुई है। उत्तराखंड में मौजूदा विधानसभा में अपने तीसरे मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा चुनावों का सामना करने जा रही बीजेपी का प्रचार अभियान कमल निशान पर केंद्रित रहेगा। पार्टी नहीं चाहती है कि यहां पर चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। पार्टी को कमल निशान और सामूहिक नेतृत्व में ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगभग सीधी लड़ाई है। ऐसे में नेतृत्व से ज्यादा दोनों दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी होती है, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी नए हैं। ऐसे में वो उन पर ना तो ज्यादा बहुत दबाव डालना चाहती है और ना ही उनके चेहरे पर बड़ा दाव लगाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस अपने बड़े नेता हरीश रावत को आगे कर रही है और उसकी कोशिश है कि चुनाव पुष्कर सिंह धामी बनाम हरीश रावत हो, जिससे हरीश रावत भारी पड़े। बीजेपी कांग्रेस की इस चाल को समझ रही है और वहीं इसके काट के लिए अपने चुनाव अभियान को सामूहिक नेतृत्व से मजबूत कर रही है और कमल निशान को अपने अभियान का केंद्र बना रही है। बीजेपी ये रणनीति अन्य विधानसभा चुनावों में भी अपना चुकी है, जिसमें उसे सफलता मिली है और यही तर्ज अब उत्तराखंड में भी देखने के लिए मिलेगी। उत्तराखंड में तो बीजेपी के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी नए हैं। ऐसे में पार्टी चुनावी जीत के लिए सभी नेताओं को एकजुट कर मैदान में उतरेगी। साथ ही धामी के नए चेहरे का लाभ उठाने की पुरजोर कोशिश रहेगी, लेकिन सीधे तौर पर चेहरे पर फोकस नहीं होगा, फोकस होगा सिर्फ और सिर्फ निशान पर। सूत्रों के अनुसार बीजेपी को पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी और तराई के क्षेत्रों में मौजूदा राजनीतिक हालातों में थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड का चुनाव प्रचार अभियान अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन माहौल बनना शुरू हो चुका है। सारे सरकारी कार्यक्रम भी चुनावी तैयारियों के हिसाब से ही आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवंबर में केदारनाथ जाने के कार्यक्रम को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के अन्य बड़े नेता और कई केंद्रीय मंत्री भी राज्य का दौरा करेंगे। बीजेपी की केंद्रीय चुनावी टीम ने राज्य के दौरे कर चुनावी रणनीति को तैयार कर और उस पर अमल का काम भी शुरू कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और नेता लगातार प्रवास भी कर रहे हैं। मदन कौशिक प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन कौशिक जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। कौशिक साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा तेज है, ऐसे में रणनीति बीजेपी की पूरी तरह से तैयार है कि अभी पुष्कर सिंह धामी नया चेहरा है, तो ऐसे में दाव जो है वो सीधे सीधे निशान पर खेला जाए, सिर्फ निशान पर केंद्रित हम रहे, कमल पर केंद्रित रहे। देखिए, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी संगठन बहुत मजबूत है जी, और नीचे तक हमारा पन्ना प्रमुखता के ऊपर तक हमारा संगठन है। उसका धामी जी मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो सरकार के अच्छे काम है, मजबूत संगठन हुए, तो हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। कौशिक साहब, हमने देखा है कि कांग्रेस जो है वो सीधे सीधे हरीश रावत को आगे कर रही है। साफ हो चुका है कांग्रेस का कि हरीश रावत बनाम धामी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बीजेपी ने अब रणनीति तैयार कर ली है, जैसा कि कई चुनावों में पहले भी बीजेपी कर चुकी है और सफलता हाथ लगी है। उम्मीद क्या है, ये जो रणनीति पूरी तैयार की गई है बीजेपी की तरफ से, इसे सफलता हाथ लगेगी? कांग्रेस ने तो नेतृत्व को लेकर बड़ी लड़ाई, ये आप जरूर इसको कह रहे हैं कि उन्होंने हरीश रावत को आगे किया है। कांग्रेस ने इतनी ज्यादा लड़ाई है, आप जरा कांग्रेस में जाकर देखें, कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है। वहाँ हरीश रावत के लोग हरीश रावत को कहते हैं, प्रीतम भाई को कहते हैं, अन्य लोगों को कहते हैं, जितने भी लोग है सबसे नेता अपने नेता कहते हैं, यही नेता। अब अभी चुनाव दूर है, विपक्ष की भूमिका इन्होंने जनादेश के उस पर नहीं निभाई है, तो मैं समझता हूँ कि विपक्ष इस तौर पर पूरी तरह फेल हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार की है, एक अच्छा संगठन है, तो हम 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें, इस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है कौशिक साहब, यानी ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक ही साल में 3-3 चेहरे बदले गए हैं और अब धामी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में चेहरे पर दाव ना खेलकर निशान पर हम केंद्रित हैं, ताकि आगे चल के कोई नुकसान ना हो। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड फतह करने को अपनाई जा रही है पूरी रणनीति, बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि किसी भी चेहरे पर दाव ना खेला जाए, सिर्फ और सिर्फ कमल के निशान पर दाव खेला जाए। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि बीजेपी ने चेहरा ना दिखाकर या चेहरे पर दाव ना खेलकर निशान पर हमेशा से ही दाव खेला है और मुकाबला जीता भी है। तो इसी तर्ज पर उत्तराखंड का मुकाबला भी जीतने की तैयारी की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्रांति ने सीएम उद्धव से न्याय की गुहार लगाई है। क्रांति ने लिखा है कि मैं एक मराठी लड़की हूँ और बचपन से मैं मराठी आदमी के हक के लिए लड़ने वाली शिवसेना को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। क्रांति ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको समझाते हैं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का आदर्श लेकर बड़ी हुई हूँ। किसी पर अन्याय करो मत, खुद पर अन्याय सहो मत, ये इन दोनों ने ही सिखाया है। उसी के मद्देनजर आज मैं अकेले मेरे निजी जीवन पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मजबूती से खड़ी हूं और लड़ रही हूं। सोशल मीडिया पर मौजूदा लोग सिर्फ मजा देख रहे हैं। मैं एक कलाकार हूं, राजनीति मुझे नहीं समझ आती और मुझे उसमें पढ़ना भी नहीं आता। हमारा कुछ भी संबंध ना होते हुए रोज सुबह हमारी इज्जत उतारी जाती है। क्रांति आगे लिखती हैं, शिवराया के राज्य में एक महिला की गरिमा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। आज बाला साहब ठाकरे होते तो निश्चित ही उन्हें ये मंजूर नहीं होता। एक महिला और उसके परिवार पर निजी हमले, ये कितने निचले स्तर की राजनीति है। ये उनके विचारों से रोजाना हम तक पहुंच रही है। आज वो नहीं है लेकिन आप हैं, उनकी परछाई हम आप में देखते हैं। क्रांति आगे कहती हैं, आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे, ये पूरा विश्वास है। इसलिए एक मराठी होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। आप योग्य न्याय करें, ऐसी विनती है आपकी बहन क्रांति रेडकर। तो बता दें कि आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस के बाद से उद्धव सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को झूठे केस में फंसाने, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, धम बदलकर नौकरी लेने जैसे कई संगीन आरोप लगाए। इतना ही नहीं, इस केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सेल ने भी समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगाए हैं। फिलहाल समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की विजिलेंस जाँच चल रही है। दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से अर्थव्यवस्था काफी पीछे चली गई है। करीब करीब सभी देश महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट से गुजर रहे हैं। उत्तर कोरिया में उसकी चीन से लगती सीमा बंद होने से वहां खाने की भयंकर समस्या पैदा हो गई है। इसकी वजह से देश ने अपने नागरिकों से कम खाना खाकर अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालने की अपील कर दी है। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा अगले 3 साल तक करना पड़ेगा। जब 2025 में चीन की सीमा खुलेगी तभी देश में खाने का संकट खत्म हो पाएगा। लोगों का कहना है कि जो समस्या है उससे अगली सर्दी में ही जीना मुश्किल हो जाएगा। 3 साल तो बहुत लंबे समय है। बता दें कि उत्तरी कोरिया ने जनवरी 2020 में चीन से लगती सीमा को एहतियातन बंद कर दिया था। उस वक्त कोरोना वायरस की महामारी तेजी से कहर बरपा रही थी, लेकिन इस कदम का देश की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है क्योंकि अब मांग आपूर्ति से ज्यादा हो रही है। ऐसी आशंका है कि 2025 के पहले सीमा खाली नहीं खोली जाएगी। लोगों का कहना है कि लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं और हालात साफ तौर पर आपात स्थिति जैसे हैं। कठिनाइयां गहराती जा रही हैं और देश के नेता किम जोंग उन साल भर आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। इस साल जुलाई में केंद्रीय समिति ने लोगों से कहा था कि भोजन की आशंका को देखते हुए हर नागरिक अपने लिए खुद फसल उगाए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने अनुमान लगाया है कि उत्तर कोरिया में इस साल लगभग 8,60,000 टन भोजन की कमी है। नागरिकों का कहना है कि 2025 तक कठिनाइयों को सहने करने की आदत डालना खुद को भूखों मारना जैसा है। हालात आप देख रहे हैं, उत्तर कोरिया के भुखमरी के हालात है। साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि अभी से ही कम खाने की आदत डालने और 3 साल तक ऐसा करना होगा आवाम को। अगर ऐसा आवाम नहीं करती तो फिर भूखों मरने जैसे हालात हो सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से हर देश पर गहरा असर पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। उत्तर कोरिया में देखें तो महंगाई की वजह से चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। आम जनता का उसे खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है। जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं। ऐसे में सरकार ने अपील की है कि लोग अपने खाने की जो चीज़ें हैं वो अपने घर के आसपास ही उगाएं और उसे ही खाएं। ऐसा ही जीवन जीना होगा आने वाले 3 साल तक, जब तक चीन से सटी सीमा नहीं खुल जाती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गहरे संकट में यहाँ की आवाम जूझ रही है। भुखमरी के हालात हो रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।